हेलो लर्नर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स का टॉपिक, बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन, यानी कि वो कौन सी एस्पिरेशंस होती हैं, वो कौन सी डिज़ायर होती हैं जिसको अचीव करना चाहता है कोई भी ह्यूमन बीइंग। तो बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन क्या होती हैं, तो अगर आपसे बोला जाए कि एक लिस्ट बनाइए कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, वांट इन लाइफ, व्हाट यू वांट इन लाइफ। तो सपोज करिए जैसे कि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं, डॉक्टर साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, आप हाईएस्ट ग्रेड लेके आना चाहते हैं अपने एग्जाम में, फर्स्ट रैंक लेके आना चाहते हैं अपने एग्जाम में, स्मार्टर गाय बनना चाहते हैं क्राउड में, यानी कि आप ब्यूटीफुल हैंड, सबसे ब्यूटीफुल या सबसे हैंडसम आप होना चाहते हैं। तो अब आपसे पूछा जाए कि व्हाई डू यू वांट दोज ऑल थिंग्स, यानी कि आप ये जो ऊपर सारी आपने वांट्स लिखी हैं कि आप ये लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, वो क्यों चाहते हैं, तो क्या मिलेगा आपको उससे। तो सिंपल सा आंसर है, आंसर इज टू बी हैप्पी, यानी कि आप खुश रहना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं, हैप्पीनेस पाना चाहते हैं, इसलिए आप ये सारी चीज़ें करते हैं। तो ह्यूमन बींग कंटिन्यूअसली ट्राई टू डू थिंग्स दैट मेक्स हिम हॉर हैप्पी, यानी कि जो ह्यूमन बींग है हमेशा ऐसे काम करने में बिजी रहता है जो उसको हैप्पीनेस देता है, हैप्पी देता है। लेकिन सिर्फ हैप्पीनेस से काम नहीं चलता, हैप्पीनेस के साथ साथ क्या चाहिए होता है, फिजिकल फैसिलिटीज़ भी चाहिए होते हैं। जी हाँ, ह्यूमन ऑल्सो रिक्वायर फिजिकल फैसिलिटीज़ फॉर फुलफिलमेंट ऑफ बॉडली नीड्स। जैसे कि आपने पहले देखा होगा कि ह्यूमन बींग क्या है, को एग्जिस्ट करता है आई और बॉडी के साथ, तो आई की नीड अलग होती है, बॉडी की नीड्स अलग होती हैं। तो आई को तो हैप्पी चाहिए, तो हैप्पीनेस चाहिए, तो आपने हैप्पीनेस मिली। अब बॉडी की नीड्स को फुलफिल करने के लिए क्या चाहिए होता है, फिजिकल फैसिलिटीज़ भी चाहिए होती हैं। तो नो बडी वॉन्ट्स फील डिप्राइव, कोई भी डिप्राइव फील नहीं करता, भुखमरी नहीं चाहता, भूखा नहीं रहना चाहता, इवन फॉर अ सिंगल मोमेंट। तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, फिजिकल फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं। तो अगर हम कहें, कंक्लूड करें, तो बेसिक ह्यूमन एक्सप्रेशन क्या होता है, कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड कंटिन्यूअस प्रॉस्पेरिटी। यानी किसी भी ह्यूमन बींग को कंटिन्यूस हैप्पीनेस चाहिए होता है, कंटिन्यूस प्रॉस्पेरिटी चाहिए होता है, बस सबका तरीका हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी को पाने का अलग अलग होता है, जिसको उसको रियलाइज करना होगा। तो अगर हम बात करें हैप्पीनेस क्या है, तो हैप्पीनेस क्या है, टू बी इन स्टेट ऑफ लाइकिंग इज हैप्पीनेस, यानी कि एक ऐसा स्टेट जहाँ पे आप लाइक करते हैं तो वो क्या है, हैप्पीनेस है। द स्टेट सिचुएशन इन विच आई लिव, यानी सेल्फ लिव, इफ देर इज हार्मोनी और सिनर्जी इन इट, देन आई लाइक टू बी इन दैट स्टेट ऑफ सिचुएशन। यानी कि कोई एक ऐसा स्टेट या सिचुएशन जिसमें आई लिव रहता है, वहाँ पे अगर हारमोनी है, सिनर्जी है, तो वहाँ पे आई रहना पसंद करता है। तो उसी स्टेट को, द स्टेट टू बी इन स्टेट ऑफ हार्मोनी इज हैप्पीनेस, यानी कि एक ऐसा स्टेट जहाँ पे पीसफुल इन्वायरमेंट हो, सामंजस्य हो, उस स्टेट में रहना ही क्या कहलाता है, हैप्पीनेस कहलाता है। और अनहैप्पीनेस क्या हो जाएगा, वाइस वर्सा, टू बी इन स्टेट ऑफ डिसलाइकिंग इन इज अनहैप्पीनेस, यानी कि एक ऐसा स्टेट, एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे डिसलाइक इन्वायरमेंट हो, जहाँ पे हारमोनी ना हो, उस स्टेट को हम क्या कहते हैं, अनहैप्पीनेस कहते हैं। टू बी इन स्टेट ऑफ डिसहारमोनी और कॉन्ट्राडिक्शन इज अनहैप्पीनेस। ओके, नाउ व्हाट इज फिजिकल फैसिलिटीज, तो प्रॉस्पेरिटी क्या होती है, तो प्रॉस्पेरिटी इज द फीलिंग ऑफ हैविंग और मेकिंग अवेलेबल मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटीज, यानी कि एक ह्यूमन बींग को जितनी फिजिकल फैसिलिटीज चाहिए होती है, उतना उसके पास होना और साथ ही साथ उससे ज़्यादा होना, ज़्यादा होने की फीलिंग ही क्या कहलाएगी, प्रॉस्पेरिटी। यानी कि जो फिजिकल फैसिलिटीज रिक्वायर्ड हैं उससे ज़्यादा होना ही क्या कहलाएगा, प्रॉस्पेरिटी। तो टू असर्टेन प्रॉस्पेरिटी टू थिंग्स आर इसेंशियल, यानी कि आप अगर प्रॉस्पेरस, अगर आपको लगता है कि आप प्रॉस्पेरस, तो उसके लिए दो इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए। पहला तो करेक्ट असेसमेंट ऑफ नीड फॉर फिजिकल फैसिलिटीज, यानी कि पहले आपको असेस करना होगा कि आपको एग्जैक्टली कितनी फिजिकल फैसिलिटीज की रिक्वायरमेंट है, और दूसरा द कम्पिटेंस ऑफ मेकिंग अवेलेबल मोर देन रिक्वायर्ड फैसिलिटीज, दूसरा कि आपके पास ये कम्पिटेंस होनी चाहिए कि आप जितनी रिक्वायर्ड फैसिलिटीज हैं, फिजिकल फैसिलिटीज हैं, उससे ज़्यादा आप प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो अगर आप ये दोनों काम कर लेते हैं तो आप प्रॉस्पेर हैं, ठीक। तो वेल्थ क्या होता है, वेल्थ इज हैविंग मनी और लॉट ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज, यू मे हैव एवरीथिंग बट यू फील डिप्राइव्ड, यानी कि आपके पास बहुत सारी फिजिकल फैसिलिटीज हैं, लेकिन जब तक आप जो है फिर भी आप डिप्राइव फील करते हैं, क्यों, क्योंकि आपके पास वो फीलिंग नहीं है कि आपके पास जितना चाहिए उससे ज्यादा है, ये फीलिंग आपको लेके आनी होगी। तो प्रॉस्पेरिटी क्या होगा, हैविंग रिक्विजिट वेल्थ एंड फीलिंग प्रॉस्पेरस, यानी कि आपके पास उतनी फिजिकल फैसिलिटीज, उतने वेल्थ है, और साथ ही साथ आपके पास फीलिंग भी है प्रॉस्पेरस की, यस आपके पास जितनी चाहिए उससे ज़्यादा आपके पास फिजिकल फैसिलिटीज हैं। तो ये बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशंस होती हैं किसी भी ह्यूमन बींग की, कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, कंटिन्यूअस प्रॉस्पेरिटी। तो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज, थैंक यू।